भारत में जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति। हमारे देश में आप कोई भी वेद पढ़ो, कोई उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो या पुरानी कोई भी शास्त्र पढ़ो, हर जगह लिखा हुआ है जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष मिलना बहुत सरल है इस देश में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, बड़ा अद्भुत है, बहुत सरल है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर उस व्यक्ति को मोक्ष हो सकता है जो अपने जीवन के दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करे। ऐसा माना गया है हमारे देश में कि तीन तरह के दुख हैं जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब दैहिक दुख है। दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ दुख, धरती फट गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब दैविक दुख है। और भौतिक दुख माने गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है। तो तीन तरह के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों दुखों को जो व्यक्ति अपने जीवन से मिटा दे और दूसरों के जीवन से इन्हीं दुखों को मिटाने का काम करे, तो उसी व्यक्ति को मोक्ष होता है। ये शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया। माने कोई अगर हमको ये कहे कि मेरे चेले हो जाओ, मेरे शिष्य हो जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष करा दूंगा, इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं। कोई कहे कमंडल लेके हिमालय में चले जाओ और मोक्ष हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ना तो हिमालय में जाने से मोक्ष होगा और ना किसी गुरु के चेला बनने से मोक्ष होगा। मोक्ष होने का रास्ता है कि आप अपने जीवन के दुखों को दूर करिए और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए रात दिन प्रयास करिए, तो पक्का है कि आपको मोक्ष हो जाएगा।